वहाँ से लेकर हमने उधर तक धनिया लगाया था सारा। गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ सेफ लखानवी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस अभी हम अपने बैठे हुए हैं अपनी चेयर के ऊपर और हम काम कर रहे हैं अपने यूट्यूब के ऊपर। मुझे पता है मैंने 4 महीने से वीडियो नहीं डाली क्योंकि आप सबको पता है, क्योंकि मुझे अपनी क्रिकेट आगे कंटिन्यू करनी थी और हमारी बहन हमारे साथ है एक बार फिर से सुमावा। खैर आज हम आगे अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, चलिए व्लॉग जल्द से जल्द आएगा आपके पास, आज सैटरडे है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब ठोक दो, अभी टाइम हो रहा है 3। बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट किया लेकिन आज के व्लॉग में हम बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं क्योंकि मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि हम क्या करने वाले हैं आज। तो गाइस आगे कंटिन्यू करने से पहले जल्दी जल्दी अपना जूस पी लेते हैं जो मेरे मामा लेकर आए। एकदम बेस्ट गाइस, जूस हो चुका है खत्म। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम गाइस करने वाले हैं ये कि जो हमारा न्यू घर है उसके साइड पे थोड़ी सी बाउंड्री छुट्टी हुई है, मतलब उन्होंने थोड़े से घर घर की जो मिट्टी है वो बाहर बाहर हल्की हल्की निकली हुई जगह रहती है, वहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ, खालस मिट्टी है सिर्फ। तो हमने सोचे कि हम वह प्लांट्स उगाएंगे और वो बहुत अच्छे भी लगेंगे। खैर हमने कल लगा दिए थे ऑरेंज के सीड्स और साथ में हमने धनिया लगा दिया था, सूखा धनिया साबत वो हमने लगा दिया था, तो वो एक हफ्ते तक ग्रो हो जाएगा। और उसी दिन हम और सीड लाए थे, मैंने कहा व्लॉग करूँगा और फिर लगा देंगे, उसी कल ही लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो बाबा रात को हम गए तो सीड्स हमें मिल नहीं रहे थे, तो लेट हम थोड़ा हो गए आते हुए, आई थिंक हमें 7-8 बज के आते हुए, क्योंकि हम फिर डॉक्टर के पास भी चले गए थे। खैर फिर हम सीड लिया तो हमने कहा कल ही लगाएंगे, तो आज हम आपको दिखाएंगे बाकी के सीड्स लगाना। हमारी पुरानी वीडियो है गाइज ये वाली, इधर गई, हाँ ये वाली हमारी पुरानी वीडियो है, वाटरफॉल इन मुजफ्फराबाद कश्मीर अबशार। मैंने इसको देखा तो इसके ऊपर कमेंट्स अच्छे अच्छे आए थे, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। और गाइस हम अपने गेट से बाहर आ चुके हैं और कल हमने यहाँ पे धनिया लगाया था, यहाँ पर छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे पौधे निकले हुए हैं, यहाँ उस वहाँ से लेकर हमने उधर तक धनिया लगाया था सारा, छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं सारे। खैर अभी मैं आपको अपने ऑरेंज की सीट की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा तो हमने अपनी है ना घर की टैंकी की है ना सफाई करवाई थी, तो उससे ये बहुत ज्यादा एकदम मिट्टी के बन गए, ये जमीन के अंदर की मिट्टी है तो ये जम गई धूप से। सो गाइस यहाँ पे ये ऊपर हमने एक ऑरेंज का सीट लगाया था, जहाँ जहाँ आपको अभी गीला गीला दिखेगा ये वहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है, इस साइड ये बाहर है रोड पे लगे, यहाँ पर एक इधर लगाया था कल और एक इधर लगाया था, ये बीच का एरिया अभी खाली है, इधर कुछ भी नहीं लगाया। और मैंने जिस तरह आपको वो वाला एरिया दिखाया उधर हमने धनिया और ये बाकी सारा एरिया इंशाल्लाह आज हम क्लियर कर देंगे। पानी डाल दिए, नहीं नहीं और नहीं डालो, वो देखो अब वो कीचड़ बन रहा है, फिर वो ग्रो नहीं कर सकेगी, बस और नहीं। अभी तो हम यहाँ पर आ गए हैं और अभी हम इधर की मिट्टी नरम करेंगे, फिर यहाँ पे पौधे लगाएंगे। चलो सो जाओ उधर खुदाई का काम शुरू करो। ये पौधे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पहले सीड नहीं लगाए हुए, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसे ही उग गए थे, आप पहले के उगे हुए थे, असल में ये और ज़्यादा उग गए। कल हमने देखा था तो कल सिर्फ इधर तक थे ये वाले पौधे, आगे आगे वो जो सारे थे ना, इस अभी कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने उधर ऐसा पानी डाला था इस साइड हल्का हल्का, तो वो इधर से यहाँ पूरी जगह ग्रो कर गए, ये पानी सिर्फ यहाँ डाला था, ज़्यादा हो गया था थोड़ा, तो जाते जाते वो आगे ग्रो कर गए। खैर अभी जल्दी जल्दी यहाँ से नरम करते, थोड़ा सा पानी बचा है सबर, इसको इधर डालता हूँ, ये भी डाल देते हैं, आखिरकार ये भी तो पौधे हैं, बच रहा था पानी, ये हमने यहाँ पर पानी डाल दिया इन्हें, बस अभी ऐसे ग्रो कर जाएंगे। समावा भी लगी हुई है लेकिन इसे खुद नहीं रहा, इसने बाबा से जिद करके ले लिया है,
लेकिन अब इसे खुद नहीं रहा। आप देख सकते हो वहां तक, उस जगह तक पूरा यहाँ से फ्लैट कर दिया अबाउट 1-2 आवर्स में। तो अभी हम यहाँ बीज डालने वाले हैं। किसके बीज है? यहाँ प्याज के बीज डालेंगे सबसे पहले इस जगह पे। असल में यहाँ पे हमने बड़े बड़े पत्थर नहीं है, ये असल में सूखी हुई मिट्टी है, तो इन्हें तोड़ना है। और यहाँ पे जो में हमने इसे नरम किया था मिट्टी को, वो मिट्टी भी दोबारा से पाँव मार मार के वो ऐसी होगी। तो अभी हमारे पास ये एक बड़ा वाला था बेलचा, तो इससे मार रहे थे इसके अंदर, और ये अच्छे से हो रहा था इससे। और यहाँ पर एक पाइप भी है, तो जिसको हम हार जाने की नहीं सोच रहे बिल्कुल भी, यही इसके साथ होगी। खैर जल्दी जल्दी इसके अंदर डालते हैं, और आपको मैं अभी साथ साथ दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे प्याज के बीज है, काले काले बीज। खैर अभी हमने यहाँ ऊपर से थोड़ी मिट्टी हटाई है ताकि हम अंदर बीज डाल के ऊपर मिट्टी डाल सकें, तो जल्दी जल्दी काम करते हैं। यहाँ पर गाइस काले काले डाल चुके हैं, जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं वो सारे बीज हैं। खैर अभी हमने सोचा है कि हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। जल्दी जल्दी यहाँ से उठाओ और डालो इनके ऊपर मिट्टी, और फिर इसे नरम करेंगे। आई थिंक अभी 5:04 बज रहे हैं, और वो सामने नम यूनिवर्सिटी है। तो पर आप देख सकते हैं ये हमारी शक्ल। तो आपको बताया था वो वाली जगह हो गई है, ये वाली जगह पे अभी हमने बीज लगाए। अभी आप जल्दी जल्दी डालेंगे पानी और जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं, क्योंकि खाना रेडी है, खाना खाना है, जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं। सो गाइस हम प्याज इस साइड इधर तक रख रहे हैं, वहां से लेकर यहाँ तक। अभी इस एरिया में हम देखते हैं हम क्या डालेंगे। थोड़ा मुझे दे दे बाबा, ताकि मैं भी थोड़ी डाल सकूं। इधर डालना आप, इधर दे दे थोड़े से, इधर सारे भी डालना। अच्छा ये जगह जो खाली रहेगी, अब मुझे भी थोड़े कोने में, ठीक है। एक बैरियर टाइप बना दिया इस तरह का कि यहाँ से इधर अनियन में यहाँ पर पेज लगा दूंगा, अनियन और बाकी आगे का। ठीक, किस चीज के? ये पालक के बीज है, छोटे छोटे येलो येलो कलर के, तो अभी यहाँ डाल देते हैं। हमने यहाँ से भी साइड पे कर दिए, जल्दी जल्दी डाल दें। ये हमने डाल दिए गाइस, हमने यहाँ पे देख कर लिया है, यहाँ पे ऊपर मिट्टी डाल दिए। इसे जल्दी जल्दी फ्लैट कर देते हैं, जल्दी जल्दी मारे यहाँ बाउंड्री, जल्दी जल्दी यहाँ पर एक बाउंड्री मार लेते हैं हम। अच्छे आपसे बाबा ये ले जी, रेडी हमारी बाउंड्री। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक है पालक, और वहाँ जो कैप है वहाँ से लेकर यहाँ तक है अनियन, अनियन प्याज, प्याज अनियन सेम चीज है। अब आगे हमने क्या डालना है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक सीड का पैकेट मिला है, ये वाला है। ओ बाबा ये तो फटा हुआ है। अरे मेथी है तो फटा हुआ था, क्या उसके अंदर होगा? गाइस ये मेथी के सीड्स हैं, चलो इन्हें जल्दी जल्दी अनबॉक्स करते हैं, खोलते हैं, बल्कि खोलने की जरूरत नहीं, फटा हुआ साइड से डालू। अब नहीं डालना, ओके अब नहीं डालना। ये देखे कुछ इस तरह के सीड्स हैं गाइस, ये मेथी के सीड्स हैं। और अभी हम यहाँ पर मिट्टी कर रहे हैं, वो वाला तोड़ दें बाबू, बहुत बड़ा है वो वाला। सो गाइस यहाँ पे हमने कर रहे हैं, साइड पे कर दिए मिट्टी, अब थोड़ा थोड़ा किए। सबसे ज्यादा हमने अनियन लगाए, फिर उसके बाद पालक, अभी मेथी का नहीं पता, मेथी देखेंगे हम कितनी लगाने वाले हैं यहाँ पर। सो गाइस यहाँ पे हमारे आप देख सकते हैं मेथी के भी सीड्स डल चुके हैं, थोड़े मोटे तो नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसके छोटे छोटे पीसेस भी, थोड़े छोटे, इतने इतने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भी गिर रहे हैं। वीडियो में आई थिंक आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स गिर रहे हैं। तो अभी हम अंदर जाएंगे, यहाँ पर इन सब के लिए बैनर्स लेकर आएंगे। और बाबा अच्छा बस यहीं तक ही है, यहाँ तक आज का हमारा काम है, वहाँ तक प्रोग्रेस है हमारी। ये हमारा साइन है, बस इसके ऊपर अभी मिट्टी डालते हैं, फिर एक पानी का हम दे देंगे।
फिर हम पानी का एक दे देंगे और बस मेथी वाला दे देंगे। आगे थोड़ा सा जगह है अभी, जो मैंने आपको बताया था हमारी थोड़ी जगह बच गई थी तो वहाँ पे हमने प्याज डाल दिया है। और ये हमारी एंडिंग बाउंड्री, अभी मैं यहाँ लाता हूँ, पेजेस लगाते हैं सारा, फिर अभी हम यहाँ पे लेकर आते हैं पानी और मारते हैं इसके ऊपर पानी की स्प्लैश। तो गाइस हमने यहाँ पे गीला कर दिया ऐसे हल्का हल्का सही तरह, यार इसने गाइस देख रहे उधर कीचड़ पे पाँव रख दिया, क्या करें हम, उधर मिट में डालो उधर, हाँ बस पानी भर के लाओ। अब मैं और पानी लेकर आता हूँ जल्दी जल्दी, और फिर आगे के भी बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी लाओ। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसे अच्छे से पानी दे दिए। और एक और चीज, जिस तरह हमने इधर बीच में बाउंड्री लगाई थी ना, इसी तरह हमने यहाँ पर भी बाउंड्री लगा दी है आगे, ताकि कोई इसके ऊपर पाँव ना रख दे। और वहाँ से लेकर यहाँ तक सारा अभी मैं जाता हूँ पेजेस तैयार करता हूँ, यहाँ 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 चिपका देते हैं और बस अपनी बाउंड्री रेडी है। दिखा दिया था जिस तरह का हमारा सारा काम खत्म हो गया था, और आते बाद ही हमने कपड़े चेंज कर लिए थे, और अभी टाइम की तरफ देखा तो 6 बज रहे हैं। और हमारा ये 5, जिस तरह आपको बताया था 5, या जब मैं आपको टाइम बताया उस वक्त 4 हो रहे थे, 5 नहीं हो रहे थे सॉरी, अभी उस वक्त जब हम अंदर आए थे तब 5 हो रहे थे। तो अभी हमने गर्म गर्म चाय पिया और कपड़े चेंज कर दिए, हाथ मुँह धो के बस सही लेट गए हैं। मैं तो मस्त रजाई में लेटा हूँ। गाइज आप बताना, आप मेरी वीडियो रजाई में लेट के देख रहे हो, खड़े होकर लेट रहे हो जैसे भी देख रहे हो, है यहाँ बैठे बैठे मैंने एक कुछ चीज बना ली है ताकि साइंस याद रहे कि यहाँ क्या क्या लगाया था। तो मैंने कुछ ये साइन बोर्ड्स बनाए गत्ते की, जिस तरह अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं, ये आपको उल्टा नजर आ रहा होगा लेकिन ये मैंने मेथी के लिए बनाया है। और ये जहाँ हमने एक्स्ट्रा अनियन उगाए ना, ये उसके लिए मैंने किया था। और देन हमारा ये मेन अनियन का आता है, ये आपको उल्टा दिख रहा होगा लेकिन ये ये अनियन का मैंने बनाया। इसी तरह के मैंने यहाँ पे ये बनाया ये मैंने धनिया का भी बनाया है, कोरिएंडर, और साथ में ये तो वही निकल आया, ये यहाँ पे मैंने एक पालक स्पिनिच, जो भी आपको मैंने अभी सारे दिखाए थे इसी तरह के मैंने गत्ते भी बना लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बारिश हुई तो ये मिट जाएंगे सारे, कोई बात नहीं गाइस, हम दोबारा बना लेंगे, गत्ते के ही तो है, और कौन सा महंगा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इसमें। ये है मेरा न्यू रूम, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर एक येलो वॉल है, मैं इसे बहुत ज्यादा अपने हिसाब से तो डेकोरेट करने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा मैंने यहाँ डेकोरेशन पीसेस, अगर मैं आपको दिखाऊं वो डेकोरेशन पीस वहाँ पे, हर जगह मैंने पर अपनी फोटो फ्रेम्स लगा दी है हर जगह, और वहाँ पर भी एक फोटो फ्रेम लगी है। और मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन देने की कोशिश की है, येलो और साथ में ग्रे दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जो बहुत प्यारा लग रहा है। खैर यहाँ पे मैंने एक वाइट भी है, मेरे हमारे कॉम्बिनेशन वाइट येलो और ग्रे कर ले, इसलिए मेरा बेड यहाँ पे भी वाइट है और पर्दे येलो है हमारे, और साथ ही साथ आदि चीजें आपको यहाँ। अभी वहां पे मेरा गमला है, उसका जो पॉट है वो अभी वो भी वाइट कलर का है, और वहां पे शीशा जो है वो भी, उसका फ्रेम भी वाइट कलर का है। बाकी यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देने की कोशिश की है, पर यहाँ पीछे है ना एक एस लगा हुआ था, वो मावा शैतानी कर रही थी तो उससे सुई लग गई एस पे, तो एस भी फाड़ गया। खैर इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम न्यू भी लेकर आ जाएंगे बलून। गाइस जिस टाइम मैंने आपको बताया था उस टाइम 6 बज रहे थे, और अभी मैं आपको दिखाऊं तो अभी टाइम हो रहा है अबाउट 7:45 हो रहे हैं, और अभी हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, और मैं और शूट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे के ये मोबाइल में बैटरी ज़्यादा नहीं बची। सो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी की तरह ही पौधे शौधे ये वेजिटेबल दिखाई आप सबको लगाई भी, साथ ही साथ आगे जाते जाते आपको आने वाले व्लॉग्स में सारी जानकारी हम देते रहेंगे। खैर और सारे पौधे भी लगाएंगे, खैर आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।